एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में या किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो देखिए, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को उसकी वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक, जनरली यही होता है। बाकी देखिए, जैसे हमारा मान लेते हैं एग्जांपल एक लिथियम का जो हमारा एटम होगा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे फर्स्ट वाले जो हमारा सबशेल होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा वन। अब ये वन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, या मतलब ये सेवन इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। तो लूज कर रहा है मतलब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस वन। सिंपल है, ऐसे ही हमें बस क्या देखना है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं। या फिर एक और चीज हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का, उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम एट से माइनस करेंगे। एट से माइनस करेंगे, जितना आएगा उतना हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब उस एटम, पर्टिकुलर एटम का दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। एक क्या कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसी को हम बोल दिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब उसके ऊपर हम देख लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या फिर ले रहा है किसी से। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें हम एट माइनस करेंगे। एग्जाम्पल से आप समझते हैं कैसे होगा ये, देखिए। जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्टीन फोर्टीन फर्स्ट सीरीज के जितने भी ग्रुप हैं उनको देखें यहाँ पर 18 तक। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का जो पूरा ग्रुप है उसमें सब में लास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी को होता है। लिथियम के बाद आता है हमारा बेरिलियम वाला ग्रुप, तो उसमें क्या होता है, लास्ट वाले में दो इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, तो फर्स्ट वाले में दो और लास्ट जो हमारा लास्ट बोल सकते हैं इसको, इसमें भी दो। ठीक, ऐसे ही 13 ग्रुप वाले में जो आउटर मोस्ट सेल होता है यानी कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3। ऐसे ही 14 वाले में 4, 15 में 5, 16 में 6, 7 और 8, ऐसे 17-18 में। ठीक है, ऐसे होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब देखिए अब हम देखते हैं इसका वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखा कि हम इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी हमारे एलिमेंट आएंगे उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट वन ही होगा। अब वन क्या होगा, प्लस वन होगा। एग्जाम्पल हमने अभी लिथियम का देखा था ना, जैसे यहाँ पर हमारा लिथियम है, LiH जब बनता है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो लिथियम क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच लेता है, तो लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो हम बोल सकते हैं लिथियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर लिथियम की जो वैलेंसी वो है प्लस वन और हाइड्रोजन की माइनस वन यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड वाले में, देखिए तो सेकेंड वाले में जितने भी सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो टू होगा, प्लस टू होगा। इसके बाद ऐसे ही हम बात करते हैं 13 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3 होगा। ठीक, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं। इस एग्जांपल समझते हैं हम कि जैसे इसमें कैल्शियम क्या है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो कैल्शियम को दो इलेक्ट्रॉन, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना होगा क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो हाइड्रोजन माइनस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज। अब इसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं प्लस टू, मतलब इसमें ये प्लस टू चार्ज बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस टू। ठीक है, तो देखिए सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा होगा प्लस टू। ठीक है, इसके बाद 13 में 3, 14 में हो सकते हैं 4, 15 में 3 या 5। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो देखिए 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 3 हो सकता है या फिर 5। 5 कैसे होगा, 8 में हम माइनस करेंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 8 माइनस 5 तो हमारा आ जाएगा 3। तो इनमें 3 भी हो सकता है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है या फिर 5 हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो 16 ग्रुप है, अब 8 में हम लोग इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ पर 8 से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब 16 ग्रुप की बात करें अगर, तो इसका जो हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब 6 कैसे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 6, तो ये या तो हो सकता है 2 या फिर 6। ठीक है, 6 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और दूसरा 2 इसलिए हो सकता है जब हम उसको 8 में से 6 माइनस करेंगे।
सेम ऐसे 17 में होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8-7 यानी कि 1 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ठीक है। 18 ग्रुप में क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी को ना देते हैं ना लेते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8, ठीक, सिंपल है ये। अब अगर हम बात करें अमोनिया की, तो यहाँ नाइट्रोजन क्या है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है, तो क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड को अपने साइड खींचेगा, तो मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, ये सब तीनों ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा सबके ऊपर, और ये तीनों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस थ्री चार्ज क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसका हम बोल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3। ऐसे ही हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।